और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि एक सिख की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिख इतिहास के मुताबिक सिखों के लिए 5 ककार जरूरी है, पगड़ी और कृपाण सिख की धार्मिक पहचान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पगड़ी और कृपाण सिख की धार्मिक पहचान का हिस्सा है और सिख इतिहास के मुताबिक सिखों के लिए 5 ककार जरूरी है, जिसमें पगड़ी भी शामिल है और कृपाण भी शामिल है। ये सिख की धार्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और कहा है कि एक सिख की पगड़ी की तुलना हिजाब से हरगिज नहीं की जा सकती है। सिख इतिहास के मुताबिक सिखों के लिए 5 ककार जरूरी बताए गए हैं और उसी के तहत पगड़ी भी जरूरी है। पगड़ी पहचान का हिस्सा है, धार्मिक पहचान का हिस्सा है और इसमें कृपाण भी शामिल है, जो कि सिख की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है और साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि एक सिख की पगड़ी की तुलना को हिजाब से नहीं कंपेयर किया जा सकता है। इसकी तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती है क्योंकि सिख इतिहास के मुताबिक सिखों के लिए 5 ककार होना जरूरी है। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अब हिजाब से तुलना नहीं की जा सकती एक सिख की पगड़ी की, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ शब्दों में टिप्पणी कर दी है। ये बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक सिख की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती और कोर्ट ने कहा कि करीब 500 सालों का सिख इतिहास रहा है और उसके मुताबिक भी और खुद हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके मुताबिक भी ये व्यवस्था है कि 5 ककार सिख धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है और उसके तहत पगड़ी और कृपाण रखना ये भी एक सिखों की धार्मिक परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने ये कहा कि 5 जजों की संविधान पीठ भी ये तय कर चुकी है कि कृपाण और पगड़ी ये सिखों की धार्मिक पहचान का अनिवार्य हिस्सा है, लिहाजा इसकी तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। दरअसल निजाम पाशा जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील थे, उनका ये कहना था कि जिस तरीके से सिख धर्म में 5 ककार हैं उसी तरीके से इस्लाम के भी 5 सिद्धांत हैं और उसी के तहत हिजाब भी इस्लामिक परंपरा का एक हिस्सा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने साफ किया कि सिखों के 5 ककारों की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती, वो सिख धर्म का इंटीग्रल पार्ट है और हिजाब इंटीग्रल पार्ट है या नहीं इसको लेकर के भी डिस्प्यूट ही है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील पेश हुए थे उनकी ओर से भी ये दलील दी गई थी कि इस्लाम के भी 5 बुनियादी स्तंभ हैं। जिस तरीके से अगर सिखों का इतिहास है तो इस्लाम के भी 5 बुनियादी स्तंभ हैं, जिसमें हज, नमाज, रोजा, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था। बिल्कुल, निजाम पाशा का ये कहना था कि जैसे हज, रोजा, जकात, तौकीद ये सब इस्लामिक धर्म के मुताबिक 5 फर्ज बनते हैं, 5 बेसिक सिद्धांत हैं, वैसे सिख धर्म के भी 5 ककार हैं और जिस तरीके से सिखों को इस बात की छूट है कि वो हर जगह पर सार्वजनिक जगह पर हिंदुस्तान में इन ककारों के साथ जा सकते हैं तो ऐसे में हिजाब पर फिर क्या दिक्कत है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर जो टिप्पणी की है बहुत अहम है और कोर्ट ने ये साबित करने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की निजाम पाशा को कि इन दोनों की आपस में तुलना ठीक नहीं है क्योंकि इसी को लेकर के खुद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये फैसला है कि 5 ककार में से कृपाण और खुद सिखों की जो टर्बन है वो इनका इंटीग्रल पार्ट है सिख धर्म की धार्मिक पहचान का और ये संविधान में दी गई व्यवस्था के मुताबिक भी और हमारा जो सामाजिक परिवेश है और सिखों का जो तकरीबन 500 सालों का जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक भी ये वेल नोन फैक्ट है, सर्वविदित तथ्य है कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती हिजाब से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया है, टिप्पणी की है कि सिख की पगड़ी की तुलना को हिजाब से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि सिख इतिहास के लिए सिखों के लिए 5 ककार जो है वो जरूरी है, जिसमें पगड़ी भी शामिल है।